आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोबाल है और मैंने सोचा एक पहाड़ी लुक में मैं अपना वीडियो बनाती हूँ करके। ये सब पहाड़ी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर पड़ता है अनोली गांव, यहाँ पड़ता है, ठीक है। फिर उसके इनको मैं ले जाऊंगी सीधे बेनाक, तो मिलते हैं कल। तो ये है चाची, और चाची भैया कहाँ हैं? पढ़ाई कर रहे अंदर। किसने पढ़ा? आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोबाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज मैंने कुछ नया किया है, यानी कि ये चाची का है, और मैंने सोचा एक पहाड़ी लुक में मैं अपना वीडियो बनाती हूँ करके। वैसे तो मैं इसको अभी उतार दूँगी, बस मैंने फ़ोटो खींचने के लिए करा था। मैंने सोचा ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ, बाद में उतार दूँगी और मेरा पहाड़ी लुक देखो कि कैसा लग रहा है। और मैंने इस लुक में मतलब बहुत सारी फ़ोटो खिंचा ली और वीडियो बना ली, वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। और बताना कि कैसा लगा मेरा पहाड़ी लुक। और तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा कुछ नया किया जाए करके। तो आपको मेरा मन्नू आ गया है, छोटा बच्चा, ये रहा, इससे मिले, इसको भूख लगी है शायद। तो देखिए, हमारे गाँव में जितनी चीज़ें हुई है उसके साथ एक चीज़ और मिल गई, ये है आड़ू। और अभी ये पकड़े भी वाले देखिए ऐसे, और कच्चे भी काफ़ी टेस्टी होते हैं हीरे। तो अब मैं अपनी जो पहाड़ी वेशभूषा है अभी मैं इसको अब उतारती हूँ। गाइस देखिए, ये चाची की बिंदु है बल, और चाची इसको अमर बनाना चाहती है ये। और ये इसका नाम क्या है? कालू। इसका नाम कालू है। ये दोनों परम मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। मैं जा रही हूँ अभी गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि पहाड़ में हमारी गुड़ाई शुरू हो गई है और घर वाले चले गए हैं। मैं जा रही हूँ पीछे, अभी दिन का टाइम है। ये देखिए, ये सब पहाड़ी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये रास्ता हमारे वहाँ कुछ ऐसा है, हमें जाना है वहाँ, वो नीचे खेत में वो घर वाले हैं वहाँ पे। और बाकी देखो हमारे केले के पेड़, कल हम यहाँ थे। ये ऊपर पड़ता है अनोली गांव, यहाँ पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद उस साइड पड़ता है खड़की गांव। तो ये है चाची, और चाची भैया कहाँ हैं? पढ़ाई कर रहे अंदर। किसने पढ़ाया? अपने आप खुद पढ़ रहा है, कौन पढ़ाता है उसको? मैं खेत का काम करती हूँ, वो भी घूमने गए हैं अकेले, अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा है अपना। तो देखो अभी भैया पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी ले जाते हैं भैया के पास। भैया क्या कर रहे हो? स्कूल है मतलब? वो जहाँ देखो, ये बच्चे का कहना है कि मतलब ये खुद पढ़ाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल है, और वो पेड़ को सर है, कह रहे हैं वाह। किसने कहा पढ़ाई करने के लिए? सर ने कहा है। क्या लिख रहे हो, दिखाओ तो। नीचे बहुत ही अच्छा। ये किसका है? ये शिवम। ये शिवम का है। अंदर क्यों नहीं लिख रहे हो फिर? गरम हो रहा है। अच्छा, मम्मी ने कहा पढ़ने के लिए? मैंने अपने हाथ से निकाला। अपने हाथ से निकाला, अरे वाह। तो देखो ये बच्चा कितना काम भी करता है और पढ़ाई भी करता है। ये मेरा भैया है, छोटा भैया, और ये कभी कभी ब्लॉगिंग भी कर ही लेता है। करता नहीं, करते हो? आजकल नहीं करते हैं। ये चाची अभी मुझे ऐसा कह रही थी कि अगर मैं जो तेरे ब्लॉग में आती ना, मिलियन और लाखों में व्यूज बना देती करके। देखो यही है, ये अभी तक मुझे बहुत इसने बहुत सताया है। अब ऐसा कह रही है, तुझे पैसे मिलेंगे तो तू मुझे पैसे नहीं देगी, तभी मैं तेरे ब्लॉग में नहीं आ रही हूँ भी कह रही है। अब जमाना ही ऐसा ही है। चाची राष्ट्रपति से भारत रत्न भी मनाने वाली है। मैं जा रही हूँ नीचे आम तोड़ने, थोड़ी पैकिंग करते हैं, अब जाने का टाइम आ रहा है। हमारे आम का पेड़, इसमें से हम आम तोड़ेंगे भी। शिवम कितने लाया? चार। चार दाने।
खाते हैं, बहुत मीठे वाले हैं, उनको कच्चे तोड़ने हैं क्योंकि हम मीठे भी खाएंगे। क्यों इनको मैं ले जाऊंगी सीधे बेनाक। तो मिलते हैं कल। हेलो दिगड़ियो, तो ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये है लीची जो हमारे गांव में काफ़ी मात्रा में हुई है, और जैसे अंगूर ख़त्म हुए और लीची शुरू हो गई। तो हमारा गांव सदाबहार है, कुछ ना कुछ होता रहता है कभी ना कभी। आज का ब्लॉग इतना ही, और पहाड़ी संस्कृति की वेशभूषा एक मतलब छोटा सा लुक दिया था, कैसा लगा आपको? बहुत लोगों को अच्छा भी लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे ब्लॉग देखने में और ज़्यादा व्यस्त रहो। बाय।